Guys, welcome or welcome back to my channel Kusum's Corner. I hope you all are doing great. So, आज मैं आपके साथ मीशो वेडिंग वेयर और पार्टी वेयर कुर्ती सेट शेयर करने वाली हूँ. ये सभी थ्री पीस कुर्ती सेट्स होने वाले हैं और कलर सभी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं. मैंने कुछ विंटर वेयर के अकॉर्डिंग भी वेलवेट फैब्रिक में कंप्लीट कुर्ती सेट परचेज किए हैं और क्वालिटी की तो मैं क्या ही बात करूँ. कुछ कुर्ती सेट तो ऐसे भी थे जो लग ही नहीं रहा था कि मैंने मीशो से बाय किए हैं. वो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने मिंत्रा से बाय किए हैं. कुछ इस तरह की इनकी क्वालिटी है. दो तीन कुर्ती सेट है जिनकी क्वालिटी ओकेश है, वो भी मैं आपको पूरा वीडियो में बताने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा. और इन सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल रहे. पसंद आते तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी जरूर से हिट कर देना. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. माय इंस्टाग्राम हैंडल इज pink.brownie. और अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. तो ये सभी प्रॉपर पार्टी वेयर एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती सेट्स हैं और कलर सभी के इतने ही ज्यादा सुंदर हैं. ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पहला कुर्ती सेट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये मैंने लास्ट वीडियो में पहना था और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे इसका लिंक मांगा था, क्योंकि पहना हुआ इतना अच्छा लग रहा था. और जब मैंने इसका टर्न किया था ना तो मुझे लगा ही नहीं था कि मीशो से है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड्स का जो टर्न है एक ही दिन करती हूँ. तो मुझे लगा था ये मिंत्रा से होगा, लेकिन नहीं, ये मीशो से है. तो मैं बात करूँ इस ब्यूटीफुल थ्री पीस कुर्ती सेट के बारे में. एक तो इसका कलर एंड ऊपर से इस पर जो ये वर्क किया गया ना वो तो कमाल का ही है. ये देखिए, और डार्क कलर के ऊपर ये जो कलरफुल वर्क है इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उभर के आ रहा है. सो इसमें वी नेकलाइन दी गई है और उसके नीचे ये देखिए इस तरह का कलरफुल वर्क किया गया है. और फिनिशिंग तो आप खुद ही देख सकते हो, ये देखिए ये यहाँ तक है. बाकी दोनों साइड्स में ना ये फॉल्स मिरर की लेस इसमें अटैच की गई है एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लेस है. और ये जो लेस है नीचे तक दी गई है और सबसे एंड में ये प्यारा सा वर्क इसमें आपको मिल जाएगा. आई थिंक ये टिश्यू फैब्रिक के ऊपर पूरा वर्क किया गया है. और ये सिर्फ फ्रंट में है, इसकी बैक बिल्कुल प्लेन है. और ये सिल्क काइंड ऑफ फैब्रिक है, आई थिंक ये सिल्क ब्लैंड फैब्रिक होगा. और ये है इसकी स्लीव्स, ये बेल काइंड ऑफ स्लीव्स हैं. और स्लीव्स के एंड में भी सेम वर्क आपको मिल जाएगा एंड कॉर्नर्स में कट वर्क भी किया गया है. सो ये थी कुर्ती जो मुझे प्रॉपर काफ लेंथ तक की आती है. और इसमें अंदर की तरफ लाइनिंग भी अटैच की गई है, फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ नीचे तक, ताकि जो वर्क है आपको कहीं से भी इरिटेट ना करे. और ये है इसका ट्राउज़र, प्लेन ट्राउज़र है. इसमें फुली इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड है, बाकी कहीं कोई वर्क इसमें नहीं है, बिल्कुल प्लेन है. और इसकी फिटिंग एंड लेंथ एकदम परफेक्ट थी. और इसकी कुर्ती में मुझे एक और चीज़ काफ़ी अच्छी लगी थी, ये नीचे से ना ए लाइन शेप में है, लेकिन फिर भी दोनों साइड्स में इसमें ये स्लिट दिए गए हैं. तो इस तरह की कुर्तियाँ ना पहनने में बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है. और ये इसका सॉफ्ट ऑर्गेन्जा फैब्रिक का दुपट्टा, इस दुपट्टे का ना फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड ये स्टोल दुपट्टा है. तो कुछ इतनी विड्थ इसमें आपको मिल जाएगी. फिनिशिंग अच्छे से की गई है एंड चारों कॉर्नर्स में ये देखिए इस तरह के टैसल्स भी दिए गए हैं. टैसल्स की क्वालिटी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंप्लीट कुर्ती सेट की क्या क्वालिटी होने वाली है. एंड पूरे दुपट्टे में ना ये लाइट पिंक कलर में फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे. ये देखिए, सो ये था कंप्लीट कुर्ती सेट. और अब बढ़ते नेक्स्ट कुर्ती सेट की तरफ, जो है मेरे फेवरेट पर्पल कलर का थ्री पीस कुर्ती सेट. इसका भी कलर, इसका फैब्रिक, इस पर जो ये वर्क किया गया सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छा है. मुझे इस कुर्ती सेट को भी पहन के लगा नहीं था कि ये मीशो से है, ये भी मिंत्रा से ही लग रहा था, इतनी बढ़िया क्वालिटी है. सो ये है इसकी स्ट्रेट फिट काफ लेंथ की कुर्ती और इसमें कुछ इस तरह की नेकलाइन दी गई है. और इसके नीचे योक में ये कलरफुल वर्क किया गया है, ये पूरा थ्रेड वर्क है और कहीं से इरिटेट नहीं करता है. एंड प्लस इसमें अंदर की तरफ लाइनिंग भी अटैच की गई है. काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक में कुर्ती सेट है. और आई थिंक ये लाइनिंग ना नीचे तक नहीं है, सिर्फ मिड तक है, उसके नीचे लाइनिंग आपको नहीं मिलेगी. बाकी नीचे से बिल्कुल प्लेन है. हाँ, कोई और वर्क इसमें फ्रंट या फिर बैक में नहीं है, जो वर्क है सिर्फ इसके योक में है. देखिए वर्क की फिनिशिंग से ना आप समझ जाओगे कि क्या क्वालिटी होने वाली है. और ये है इसकी स्लीव्स, थ्री क्वार्टर स्लीव्स हैं और स्लीव्स के एंड में ये टिश्यू फैब्रिक के ऊपर पूरा वर्क आपको देखने को मिलेगा. और ये प्रॉपर काफ लेंथ की है, शॉर्ट कुर्ती नहीं है. और ये इसका आई थिंक प्लाजो है, काफ़ी बढ़िया फैब्रिक है सच में. इसमें फुल्ली इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड आपको मिल जाएगी और ये ऊपर से प्लेन है लेकिन नीचे से सेम वर्क आपको मिल जाएगा. और ये कुछ इतने वाइड लेग का प्लाजो है और इसमें आई थिंक अंदर की तरफ लाइनिंग नहीं है.
और लाइनिंग की ज़रूरत भी नहीं थी। और ये है इसका प्रिटी दुपट्टा, ये स्टोल दुपट्टा है। ये देखिए दुपट्टे के भी फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्यारी शीन इसमें से आ रही है और कुछ इतनी विड्थ आपको इसमें मिलेगी। और कट वर्क में कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी की गई है, बाकी इस तरफ भी ये गोटा पट्टी का वर्क इसमें किया गया है। और आई थिंक ये भी 2 या फिर 2.25 मीटर का दुपट्टा होगा। सो ये था कंप्लीट कुर्ती सेट। तो अब जो कुर्ती सेट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है। एक तो इसका कलर है पिंक, ये 3 पीस कुर्ती सेट है जॉर्जेट फैब्रिक में। ये इतना कंफर्टेबल है एंड क्या फ्लेयर है। इसमें आपको फ्लोर लेंथ की कुर्ती मिलने वाली है। इस तरह के कुर्ती सेट जैसे पिक में नज़र आते हैं वैसे तो बिल्कुल भी रिसीव नहीं होते हैं, लेकिन ये मुझे पिक से भी ज़्यादा अच्छा लगा है। सबसे पहले मैं आपको इसकी फ्लोर लेंथ की कुर्ती दिखा देती हूँ। सो ये है कुर्ती और ये फ्रंट से ना कुछ इस तरह से है। इसमें राउंड नेक लाइन दी गई है, ये इसकी नेक लाइन, और नेक लाइन पर कुछ इस तरह का वर्क किया गया है, पूरा थ्रेड वर्क है। और यहाँ पर ना सीक्वेंस की भी एक लेयर बनाई गई है, ये देखिए। और नीचे इस तरह से छोटे छोटे सर्कल्स आपको मिल जाएंगे, बाकी एम्पायर लाइन से स्टार्ट हो जाती है इंटीरियर डिटेलिंग। नीचे कोई वर्क इसमें नहीं है और अंदर लाइनिंग भी अटैच की गई है नीचे तक, सेम पिंक कलर में क्रेप फैब्रिक में। बैक से कुर्ती बिल्कुल प्लेन है, लेकिन बैक नेक में ना क्योंकि हल्का सा डीप है, ज़्यादा नहीं, और इसलिए डोरी लगाई गई है टेसल्स के साथ। और इसमें फुल स्लीव्स दी गई है, स्लीव्स के ऊपर भी ये सेम वर्क किया गया है, ऊपर छोटे छोटे सर्कल्स बनाए गए हैं और नीचे की तरफ ये सीक्वेंस एंड थ्रेड दोनों ही तरह के वर्क इसमें दिए गए हैं। क्या फिटिंग थी इसकी। और ये है इसका ट्राउज़र, ये भी आई थिंक क्रेप फैब्रिक में है, कंफर्टेबल था, बिल्कुल भी टाइट नहीं था। इसमें फुल्ली इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड दी गई है और सभी की साइजेस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना। और नीचे से कोई वर्क नहीं है और इतने वाइड लेग का ये ट्राउज़र है। और ये है इसका दुपट्टा, ये देखिए बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। इसकी लेंथ मुझे हल्की सी कम लगी है, बस यही कमी मुझे इसमें लगी है। ये जॉर्जेट फैब्रिक का ही दुपट्टा है, दुपट्टे के सेंटर में इस तरह का वर्क है, ये देखिए कहीं फ्लावर्स बनाए गए हैं और इस तरह के सर्कल्स भी इसमें दिए गए हैं। एंड चारों कॉर्नर में ये बेल बनाई गई है जो स्लीव्स के एंड में थी, ये देखिए। सो ये था कंप्लीट कुर्ती सेट। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और ट्रायल में तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये पहना हुआ कैसा लगने वाला है। और ये काफ़ी अफोर्डेबल है इसकी क्वालिटी एंड इसके लुक को देखते हुए। सो ये मस्ट बाय पीस है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा अगर आपको ये पसंद आता है तो। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती सेट की तरफ। और नेक्स्ट है ये ब्यूटीफुल लाइट ब्लू कलर का 3 पीस कुर्ती सेट, ये भी सिल्क ब्लेंड फैब्रिक में है और इस पर भी ये जो वर्क किया गया है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये देखिए ये इसकी स्ट्रेट फिट काफ लेंथ की कुर्ती, इसमें कुछ इस तरह की नेक लाइन है और नेक लाइन पर एंड योक में ये कलरफुल वर्क किया गया है, ये देखिए ये यहाँ तक है और सेंटर में बटन्स भी लगाए गए हैं, बाकी सेंटर में ना कोई वर्क नहीं है। और इसमें भी लाइनिंग अटैच की गई है नीचे तक और इसमें हाई स्लिट दिए गए हैं दोनों साइड्स में। और एंड में भी ना कुर्ती के सिर्फ फ्रंट में ये वर्क दिया गया है, ये 2 लेयर्स में है, एक तो ये ऊपर और ये नीचे की तरफ इस तरह से। और कितना सुंदर ये वर्क किया गया, छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए गए हैं और यहाँ पर भी क्रोशेट की लेस इन्होंने अटैच की है। और इस तरह के कलरफुल छोटे छोटे फ्लावर्स जिसमें भी बनाए जाते हैं ना वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और बैक है इसकी बिल्कुल प्लेन और ये भी हल्की सी ए लाइन शेप में नीचे से, तो ये काफ़ी अच्छी लगने वाली है। और ये इसकी 3/4 स्लीव्स आई थिंक, और नीचे से ये सेम वर्क इसमें भी दिया गया है और एंड में ना कट वर्क भी है। सो ये थी काफ लेंथ की कुर्ती और आई थिंक इसमें मेरा साइज एक्सल या फिर डबल एक्सल होगा। मैं मीशो में ना हर बार एक साइज बड़ा ही बाय करती हूँ, तब वो मुझे एकदम परफेक्टली आ जाता है। तो अगर आपका टमी फैट है तो एक साइज बड़ा ही आप बाय करा करें। सो ये है इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र के नीचे की तरफ भी ये सेम वर्क है, ये देखिए। बाकी पूरा ट्राउज़र ये प्लेन है और ऊपर इसमें फुल्ली इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड आपको मिल जाएगी। ये है इसका दुपट्टा, ये डिजिटल प्रिंट में है और इतना प्यारा दुपट्टा, इतने सॉफ्ट फैब्रिक में है, आई थिंक ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। और इस पूरे दुपट्टे में कलरफुल फ्लावर्स का प्रिंट दिया गया है, ये देखिए इतना सुंदर दुपट्टा है, लेंथ एंड विड्थ एकदम परफेक्ट है। और नीचे से ये टेसल्स भी इसमें दिए गए हैं, देखिए चारों तरफ।
सो ये था कंप्लीट मस्ट बाय कुर्ती सेट, आप इसे जरूर ट्राई करके देखेगा और ये कलर सभी स्किन टोन पर काफी अच्छा लगने वाला है। और अब जो कुर्ती सेट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये सेम मैंने मिंत्रा पर देखा था, लेकिन वहां पर ये 4100 में मिल रहा था और यहाँ पर आपको ये काफी अफोर्डेबल रेट में मिल जाएगा। इसका एक और कलर है लाइट पिंक कलर और आई थिंक एक और होगा, बाकी आप चेक कर लेना। तो मुझे चाहिए था थोड़ा डार्क कलर में क्योंकि विंटर्स हैं। तो ये भी 3 पीस कुर्ती सेट है सिल्क ब्लेंड काइंड ऑफ फैब्रिक में। ये देखिए देखने में तो ये मुझे अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, परफेक्ट फ्लेयर लग रहा है और फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। ये आप देख सकते हो क्या कलर है, पहनो कितना सुंदर लगने वाला है। इसे भी आप किसी भी वेडिंग के फंक्शन में पहन के जा सकते हो। सो ये है इसकी नेक लाइन और इस तरह के जो वर्क होते हैं ना इस पैटर्न में वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो ये इसकी नेक लाइन पर कुछ इस तरह का वर्क किया गया है। ये पूरा सीक्वेंस एंड जरी का वर्क है, ये मुझे आज ही रिसीव हुआ था तो इसका ट्रायल मैं नहीं कर पाई हूँ, बट मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा हुआ। इस फैब्रिक में भी काफ़ी प्यारी शीन है, ये देख लो। और यहाँ पर कुछ इस पैटर्न में ये वर्क है, ये देखिए सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बैक नेक में ना ये डोरी भी लगाई गई है इस तरह की टेसल्स के साथ और अंदर लाइनिंग भी अटैच की गई है और एम्पायर लाइन से स्टार्ट हो जाती है कलियाँ, काफ़ी कलियाँ हैं तो फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा आने वाला है। और ये जो लाइनिंग है ना ये देखिए नीचे तक दी गई है और फैब्रिक काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मतलब मुझे इसमें सब कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा है और बैक से बिल्कुल प्लेन है। और ये है इसकी आई थिंक 3/4 स्लीव्स। स्लीव्स में ऊपर ये छोटी छोटी बूटियाँ बनाई गई हैं, फ्लावर्स बनाए गए हैं जरी एंड सीक्वेंस के वर्क के और एंड में भी ये बेल इसमें बनाई गई है, ये देखिए। और वर्क भी काफ़ी सफाई से किया गया है और लेंथ मुझे एकदम परफेक्ट लग रही है। सो ये कुर्ती थी और ये है इसका आई थिंक ये ट्राउज़र होगा, हाँ ये ट्राउज़र है, प्लेन ट्राउज़र है और इसमें पार्शली इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड है और वन साइड में इसमें ये डीप पॉकेट भी दी गई है। और ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी देख लेते कितना लंबा है। हाँ दुपट्टा भी मुझे ठीक लग रहा है और ये इतनी विड्थ के साथ है और सेंटर में ना कुछ इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए गए हैं, ये देखिए। और कॉर्नर्स में चारों तरफ ये लेस भी इसमें अटैच की गई है, ये देखिए। और चारों कॉर्नर्स में टैसल्स भी आपको मिल जाएंगे। सो ये था कंप्लीट कुर्ती सेट। इसको पहनने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये कलर मुझे चाहिए था कब से, ये डार्क ब्राउन कलर सच में इतना सुंदर लगता है और ऊपर से ये जो वर्क है इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, फैब्रिक में शीन है तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है। मिंत्रा से भी एक बार ज़रूर बाय करके देखूंगी, मेरे इस एड्रेस पे ना वो डिलीवर ही नहीं कर रहे वरना मैं वो कब का बाय कर लेती, बट अच्छा हुआ क्योंकि ये उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। वो तो 4100 रुपये में आ रहा था और ये सिर्फ आपको आई थिंक 1100 या फिर 1200 रुपीज़ में मिल जाएगा। सो ये मस्ट बाय कुर्ती सेट है। सो ये भी डार्क ब्राउन कलर में हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड 3 पीस कुर्ती सेट है वेलवेट फैब्रिक में। ये भी मुझे इतना पसंद आया, इसके फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ इतना हैवी वर्क किया गया है, स्पेशली बैक में जो वर्क किया गया है जिस शेप में वो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने बैक को फ्रंट में पहनकर भी पिक ली थी, वो मैं साइड में अटैच कर दूंगी। अगर इस तरह का ये वर्क फ्रंट में होता ना तो कितना अच्छा लगता, बट कोई नहीं, जो फ्रंट में वर्क है वो भी काफी अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी नी लेंथ की कुर्ती दिखा देती हूँ। सो ये देखिए ये इसकी नेक, छोटा सा राउंड नेक है बिल्कुल ही गले से लगता हुआ और फ्रंट में कुछ इस तरह का वर्क है, ये पूरा जरी एंड सीक्वेंस का वर्क है एंड काफ़ी सफाई से ये वर्क भी किया गया है। और सेंटर से कुर्ती प्लेन है और हाँ नीचे भी कोई वर्क नहीं है हेमलाइन पर, लेकिन साइड में जो स्लिट दिए गए हैं वो इतने हैं और दोनों तरफ ना इसमें कुछ इस तरह की बेल बनाई गई है। ये भी पूरा जरी एंड सीक्वेंस का वर्क है जो दोनों तरफ किया गया है। और अब देख लीजिए इसकी बैक, बैक तो सच में इतनी ज़्यादा सुंदर है, ये देखिए ओ माय गॉड। यहाँ पर ना ये लीफ के पैटर्न में कट दिया गया है और उसके चारों तरफ ये वर्क है और ये इस तरह से नीचे तक किया गया है यहाँ तक, बाकी नीचे से बिल्कुल प्लेन है इसकी बैक। और ये है इसकी ब्यूटिफुल स्लीव्स, स्लीव्स भी इतनी हैवी है, ये कुछ इस तरह से सेंटर में वर्क किया गया है ऊपर से ही, ये देख रहे हो आप,
और कॉर्नर में कुछ इस तरह का वर्क है। ये कुर्ती, इसका कलर, इसका वर्क, वर्क का पैटर्न इतना ज़्यादा सुंदर था। इसमें भी अंदर की तरफ लाइनिंग अटैच की गई है। ये लाइनिंग देखनी पड़ेगी कहाँ तक है। आई थिंक ये भी मिड तक है, जहाँ तक वर्क है ना वहीं तक। नीचे तक क्यों नहीं दे देते ये पता नहीं। और ये है इसका फुल्ली हैवी वर्क वाला प्लाजो। ये जो वर्क है ना, इसमें ऊपर से ही स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ही। ये देखिए पूरे प्लाजो में नीचे तक ये वर्क किया गया है। तो साइड में ना आप एक बार इसकी पिक देख लीजिए, तो कुछ इस पैटर्न में कुर्ती सेट है ना, काफ़ी कमाल का। और इसमें अंदर की तरफ लाइनिंग नहीं है, और इस चीज़ की मुझे इसमें काफ़ी बड़ी कमी लगी। अगर आपको कलर, ये वर्क, इसका पैटर्न सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो अगर प्लाजो में आप लाइनिंग अटैच करवा सकते हो खुद से, तो इसे ज़रूर बाय करके देखिएगा। सो ये देखिए कुछ इस तरह का वर्क इसमें दोनों लेग्स में ऊपर से ही आपको मिल जाएगा, ये देखिए। और एंड में ये इस तरह का वर्क इसमें किया गया है दोनों तरफ, सिर्फ फ्रंट में नहीं है, ये वर्क इसके फ्रंट और बैक दोनों साइड्स में किया गया है। और हाँ, ये जो प्लाजो है ना, मुझे यहाँ से टाइट था, हल्का सा टाइट था पहनने में, तो बैठने में इसमें दिक्कत ज़रूर आने वाली है। और इसके साथ ये टिश्यू फैब्रिक में सुंदर सा दुपट्टा दिया गया है। ये देखिए फुल्ली हैवी दुपट्टा है, वैसे काफ़ी लाइट वेट है। तो इस दुपट्टे के चारों तरफ ना, ये देखिए इस तरह का सीक्वेंस एंड जरी का वर्क किया गया है। और सेंटर में भी इस तरह से फ्लावर्स इसमें बनाए गए हैं, छोटे बड़े साइज में। और इसमें कुछ इतनी विड्थ दी गई है, आई थिंक ये भी 2 या फिर 2.25 मीटर का दुपट्टा होगा। सो ये था कंप्लीट कुर्ती सेट। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये कुर्ती सेट आपको मुझ पर कैसा लगा। मुझे सिर्फ इसके प्लाजो में लाइनिंग की कमी लगी, बाकी इसमें कोई कमी नहीं है। इसका कलर, इसका वर्क, इसका फैब्रिक सब कुछ इसके प्राइस को देखते हुए काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है मस्टर्ड येलो कलर में 3-पीस कुर्ती सेट वेलवेट फैब्रिक में। और वेलवेट फैब्रिक में ना मस्टर्ड येलो कलर इतना ज़्यादा क्लासी लगता है, और ये काफ़ी ट्रेंड में भी है, और आसानी से मिलता भी नहीं है। और सनलाइट में इस कुर्ती सेट की और इस कलर में क्या फोटोज आ रही थी सच में। और इसकी जो रिव्यू की वीडियो थी मुझसे गलती से डिलीट हो गई, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसमें आपको नी लेंथ और काफ लेंथ के बीच की लेंथ की कुर्ती मिलने वाली है, और कुर्ती में मिलेगा आपको वी नेक, और उसके नीचे योक में इतना सुंदर जरी एंड सीक्वेंस का वर्क किया गया है, और वर्क काफी फिनिशिंग के साथ किया गया है। इनफैक्ट पूरे फ्रंट में ही सीक्वेंस के छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए गए हैं, और साथ में छोटे साइज के मोती भी इसमें लगाए गए हैं। और ये वर्क आपको इरिटेट ना करे, इसलिए अंदर की तरफ लाइनिंग भी अटैच की गई है। एंड कुर्ती की हेमलाइन पर और स्लीव्स के भी एंड में ना क्वाइंस की लेस लगाई गई है, और ये लेस में से ना कुछ क्वाइंस निकल रहे थे, लेकिन इतने सारे क्वाइंस थे कि पता ही नहीं चला था कि कोई पीस निकला भी हुआ है। और इसमें आपको 3/4 बेल स्लीव्स मिलेंगी, और इतनी सुंदर स्लीव्स हैं इसकी। पूरी स्लीव्स में एंड में आपको हैवी वर्क देखने को मिलेगा, सेम सीक्वेंस एंड जरी का वर्क है। और इसके साथ आपको एक कंफर्टेबल ट्राउजर मिलेगा, ट्राउजर की लेंथ एकदम परफेक्ट है, और ट्राउजर के नीचे की तरफ भी सेम हैवी सीक्वेंस एंड जरी का वर्क किया गया है, और इसके भी एंड में सेम क्वाइंस की लेस लगाई गई है। और इसके साथ आपको 2 या फिर 2.25 मीटर का दुपट्टा मिलने वाला है शिफोन फैब्रिक में, और दुपट्टे के चारों तरफ किनारी और गोटा पट्टी की लेस लगाई गई है, और कुर्ती सेट के वर्क को काफी कॉम्प्लीमेंट कर रही है, और दुपट्टे की विड्थ एकदम परफेक्ट है। तो सच में ये मस्ट बाय कुर्ती सेट है, इतना सुंदर लग रहा था पहना हुआ। इससे आप किसी भी वेडिंग के फंक्शन में आराम से पहन के जा सकते हो, और प्राइस के अकॉर्डिंग इसका फैब्रिक एंड जो इस पर वर्क किया है वो काफी अच्छी क्वालिटी का है। अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में एक ट्रेंडी एंड अच्छा कुर्ती सेट चाहिए, तो आप इसे बाय कर सकते हो। सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, एक ब्यूटीफुल पर्पल कलर के कंप्लीट कुर्ती सेट की तरफ। ये भी हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड जॉर्जेट फैब्रिक में 3-पीस कुर्ती सेट है। ये मुझे लगा नहीं था कि ये इतना सुंदर आने वाला है। सबसे पहले आप इसकी पिक देख लीजिए। मुझे भी लगा था कि जैसे ये पिक में नजर आ रहा है वैसा मुझे रिसीव नहीं होने वाला है, या तो इसकी कुर्ती नी लेंथ की होगी या इस तरह का वर्क इसमें नहीं मिलने वाला है। लेकिन जैसा ये पिक में नजर आ रहा है उतना ही सुंदर मुझे रिसीव हुआ है। मैं भी काफी सरप्राइज हो गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी काफ लेंथ की कुर्ती दिखाने वाली हूँ। ज़्यादातर ना नी लेंथ की कुर्ती आपको मिलेगी मीशो पर, लेकिन ये है प्रॉपर काफ लेंथ की कुर्ती, एंड कलर भी एग्जैक्ट है, वर्क भी एग्जैक्ट दिया गया है। सो ये इसकी नेक लाइन आई थिंक राउंड है, और उसके नीचे योक में ब्यूटीफुल कलरफुल वर्क किया गया है। ये कोई फैब्रिक नहीं है, पूरा थ्रेड वर्क है।
ये देखिए, और सेंटर में सीक्वेंस वर्क भी इसमें आपको मिल जाएगा। ये देख रहे हो कितनी फिनिशिंग के साथ ये पूरा वर्क इसमें किया गया है। और दोनों साइड्स में ना ये बेल भी बनाई गई है इस तरह से, जो इसे एक फिनिश लुक दे रही है। ये देखिए, और नीचे की तरफ भी इस पैटर्न में ये वर्क किया गया है। वर्क देख लो आप कितनी सफाई से किया गया है, और ये वर्क आपको इरिटेट ना करे अंदर से, इसलिए इसमें लाइनिंग भी अटैच की गई है नीचे तक। ये देखिए, ये है इसका फ्रंट जो कुछ इतना हैवी है, ये आप देख रहे हो। तो कॉर्नर में स्लिट में आपको ये लेस भी मिल जाएगी। एक तो ये वर्क इतना अच्छा है, और ये है इसकी बैक। बैक हाँ बिल्कुल प्लेन है, लेकिन बैक में स्लिट में ये टेम्पल लेस अटैच की गई है। इसका ये वर्क है ना, ये कमाल का है। सो ये थी काफ लेंथ की कुर्ती, और इसमें जो मेरा साइज है, आई थिंक मैंने डबल एक्सल साइज इसमें बाय किया होगा, तभी मुझे परफेक्टली आ गया था। और ये है इसका प्लाजो, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल था, और इसमें भी अंदर की तरफ लाइनिंग अटैच की गई है। ये देखिए, ऊपर से प्लेन है लेकिन नीचे से इसमें हैवी वर्क किया गया है, वो भी दोनों तरफ। और ये भी मुझे बिल्कुल भी टाइट नहीं था। और ये है इसका जॉर्जेट फैब्रिक का दुपट्टा, दुपट्टा भी फुल लेंथ एंड विड्थ का है। ये है दुपट्टे का फ्रंट, और इसमें कुछ इस तरह का वर्क किया गया है। ये देखिए पूरे दुपट्टे में, और चारों कोनर में ये लेस भी इसमें अटैच की गई है। ये देखिए आप, सो ये मस्ट बाय कुर्ती सेट है। और ये इस दुपट्टे की विड्थ, सो ये था ब्यूटीफुल पर्पल कलर में कलरफुल वर्क के साथ कंप्लीट कुर्ती सेट जॉर्जेट फैब्रिक में। इसके फैब्रिक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो मैं तो इसे हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ। इतने प्यारे कलर में, इतनी अच्छी फिटिंग के साथ, इतने अच्छे वर्क के साथ, इतना प्यारा कुर्ती सेट मिलना वो भी इस प्राइस में काफ़ी मुश्किल है। अगर आपको मिल रहा है और आपको पसंद आता है तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सो ये थी आज की पूरी कलेक्शन, और इन सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको इनमें से कौन सा कुर्ती सेट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।